Hello, my mitro. पाठ एक क्या है लंबा क्या है गोल गणित में हमने सीखा। अब हम आगे के पेज देखेंगे। चलिए हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। आपने पोस्ट कार्ड देखा है, पोस्ट कार्ड ऐसे दिखाई देगा। आप यहाँ देखिए यह पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड ऐसे दिखाई देता है। तो चलिए हम जानते हैं एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो। यहाँ एक पोस्ट कार्ड लेना है और वहाँ एक कोने से पकड़ना है। देखो यहाँ पकड़ा हुआ है। अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो वहाँ पोस्ट कार्ड पकड़ कर उसके ऊपर एक किताब रखना है। क्या वहाँ किताब का भार उठा सकता है? अब हमें देखना है यह पोस्ट कार्ड क्या किताब का भार उठा सकता है। आप सोचिए कि क्या पोस्ट कार्ड किताब का भार उठा सकता है? यह किताब का भार नहीं उठा सकता। चलिए अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि पोस्ट कार्ड पतला होता है और किताबें मोटी होती हैं, तो ऐसे रखने पर हम पोस्ट कार्ड से किताब नहीं उठा सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पोस्ट कार्ड मजबूत है, वह हम आगे देखते हैं। अब यह करके देखो, हमने तो यह करके देखा समझा कि ऐसे रखने पर पोस्ट कार्ड से हम किताब नहीं उठा सकते। पर अब यहाँ दूसरा प्रयोग करेंगे। पोस्ट कार्ड को गोल मोड़ कर एक पाइप सा बना लो। हमें पोस्ट कार्ड को मोड़ना है, उसे ऐसे मोड़ना है कि वह एक पाइप के आकार का हो जाए, बन जाए। तो चलिए हम मोड़ेंगे तो पोस्ट कार्ड पाइप के आकार का बनेगा, तो कैसा दिखाई देगा? टेप से दोनों मोड़ हुए छोर जोड़ दो। हमें जब पाइप की तरह मोड़ेंगे तो दोनों छोर छोर मतलब ऊपर नीचे के, यहाँ बीच में हमें दो जगह टेप लगानी है। तो यह जो पोस्ट कार्ड है वह ऐसा दिखाई देगा गोल आकार में, तो वह पाइप की तरह गोल बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं नंबर तीन। अब इस पर एक किताब रखो। अब इस पर हमें इस पोस्ट कार्ड पर किताब रखनी है। क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेता है? हमें देखना है पाइप की तरह गोल करके टेप लगा कर उसे इस पर किताब रख कर कि वहाँ क्या भार उठा लेता है किताबों का। देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला। अब हमें गिनना है कि इस चित्र में कितनी किताबों का भार पोस्ट कार्ड ने उठाया है। तो आपको कितनी किताबें दिखाई दे रही हैं? एक दो, एक बड़ी किताब है और एक छोटी किताब। तो यह पोस्ट कार्ड दो किताबों का भार उठा लेता है। चलिए अब हम आगे के पेज देखेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट, बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं, वह गोल घेरे में बैठे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है यह गोल घेरे में बैठे हुए हैं। वे इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं। क्या है लंबा क्या है गोल? हमने आगे देखा नीकू चाचा ने गोल और लंबा खेल खेल रहे थे। तो किस तरह खेल रहे थे? खेले में हाथ डालकर। पर यहाँ बच्चे गोल घेरे में बैठकर खेल खेल रहे हैं। पर कैसे खेल रहे हैं यहाँ हम देखेंगे। जल्दी बोल जल्दी बोल, रीना कहती है। रीना कहती है, क्या कहती है हम देखते हैं। अब यह गेम दूसरी तरह खेला जा रहा है। बल्ला लंबा
गेंद है गोल, जल्दी गोल, जल्दी गोल। रीना कहती है बल्ला लंबा होता है और गेंद गोल होती है, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अब रीना ने बोला, अब देखेंगे। सभी बच्चे गा रहे हैं, सभी बच्चे गा रहे हैं, क्या है लंबा क्या है गोल। सभी जब बोलेंगे क्या है लंबा क्या है गोल, तब उसके बाद जवाब देना है, जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो एक लड़की फिर से जवाब देती है, बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। रीनू कहती है, और इस तरह से खेल चलता रहता है। देखिए, आपको राउंड में ऐसे गोले में बैठकर आपको बोलना है क्या है गोल क्या है लंबा, और फिर उसके बाद उसमें से एक बच्ची बोलेगी किसी भी वस्तु का नाम लेकर कि सिक्का है गोल, नोट है लंबी, ऐसे, या लंबा नोट लंबा, सिक्के गोल, ऐसे भी कह सकते हैं, और हम अलग अलग वस्तुओं को जान सकते हैं, गेम के द्वारा खेल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो। बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज के नाम बोलो। मैंने कहा ना, आप नाम बोलते खेल सकते हो कि क्या है लंबा क्या है गोल। मैं जिस चीजों का नाम एक बार बोलो दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना चाहिए। जो गेम में एक बार नाम आ जाए उस नाम को दोबारा ना बोले। चलो, यह हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।